जहाँ मिलता है शासन के रत्नों को ज्ञान का उजाला, वहाँ है जिन शासन की शान, मैं साना पाठशाला। इस काल में जहाँ हमारे संस्कारों एवं संस्कृति पर हजारों हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो हमारे व्यक्तित्व निर्माण के लिए अग्रसर बनी हुई है। किसी भी जैन व्यक्ति के जीवन में धार्मिक एवं मौलिक सिद्धांतों का बीजारोपण करने में यदि किसी की अहम भूमिका हो तो वह पाठशाला। एक पाठशाला जिन्होंने हमें शासन प्रभावक आचार्य भगवंत दिए, एक पाठशाला जिन्होंने हमें सुंदर आराधक साधु साध्वी जी भगवंत दिए, एक पाठशाला जिन्होंने अनेक शासन सेवक श्रावक रत्न दिए, एक पाठशाला जिन्होंने हमें शासन के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले युवान दिए, एक पाठशाला जो वर्षों से अविरत रूप से शासन के रत्नों को तैयार करने में लगी हुई है और आज भी अनेक जिन शासन के भविष्य जहां तैयार हो रहे हैं। चलिए जानते हैं एक अद्भुत अद्वितीय अवर्णनीय कार्य करने वाली मेहसाना पाठशाला के बारे में। मेहसाना पाठशाला 100 साल प्राचीन मंदिर हो तो उसके प्रति का सद्भाव 100 साल हो गए तीर्थ बन जाता है मंदिर। हाँ, उसके प्रति का अहोभाव सद्भाव बदल जाता है। शासन में ऐसे कई तीर्थ हैं जो 100 साल प्राचीन है, जिसकी सदी हो चुकी है, लेकिन कोई शासन की ऐसी संस्था जिसने अपने 100 साल पूरे किए हो लगभग, आजकल तो संस्थाएं या ग्रुप चालू होते हैं, 5-10 साल में तो बीमार हो जाते हैं और 20-25 साल में तो देहांत भी हो जाता है। कई संस्थाओं का हमने देखा है, लेकिन आज प्रभु शासन की एक संस्था जो 100 नहीं सवा सदी, यानी कि 125 साल पूरा करके 126 साल पूरी करने वाली ये संस्था, वो है मेहसाना पाठशाला। गौरव ले सके एक संस्था अपना 126 साल पूरा कर रही है। हमें जिनालयों के प्रति, प्रतिमाओं के प्रति तो अहोभाव है, लेकिन पाठशाला जो इतनी पुरानी है, ऐसे भी पाठशाला के प्रति हमें सद्भाव अहोभाव नहीं है, उपेक्षा भाव है। हम इतिहास में जाए, ये पाठशाला की शुरुआत कैसे हुई, पूज्य दान विजय जी महाराजा, जो पूज्य मूलचंद जी महाराजा के शिष्य थे, और पूज्य रवि सागर विजय जी महाराजा, इन दोनों महात्मा का उपकार जिन शासन पर उस 125 साल पहले इसके बारे में सोचा, युवा पीढ़ी के बारे में। जबकि सच बोलूं, इस पाठशाला की शुरुआत का मुख्य ध्येय महात्माओं की पढ़ाई का था। हाँ, साधु साधु जी भगवंत को पढ़ाई, ज्ञानाभ्यास में के सोच के साथ ये पाठशाला शुरू हुई थी। लेकिन शुरू होने के बाद 12 महीने के अंदर श्रावकों के लिए एक उत्तम दुनिया भविष्य के लिए निर्माण के लिए तैयार हो गए। इस पाठशाला को निर्माण के पीछे के प्रेरणा स्त्रोत्र दो महात्मा, लेकिन एक श्रावक वेणीचंद सुरचंद भाई दोषी, ये श्रावक इन्होंने इसका शुभारंभ किया। महात्मा पाठशाला शुरुआत नहीं करवा सकते, वो प्रेरणा कर सकते हैं, लेकिन एक श्रावक अपनी क्या भूमिका। जब उन्होंने शुरुआत की तो कहते हैं उन्होंने अपने घर में बच्चों को पढ़ाना रखना शुरू किया, नहीं था फाइनेंस तो अपने घर में बच्चों को रखते थे, उनको पढ़ाने का काम, उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी भोजन की व्यवस्था एक ही भाई इतने श्रावकों की अपने घर पर करके उन्होंने पाठशाला की शुरुआत की थी। और जब फाइनेंस नहीं रहा, आखिर एक लिमिटेशन आती है, आखिर इसका एक कब तक पाठशाला को इस तरह से, और अब तो श्रावकों के रूप में ट्रांसफर बहुत सारे लोग जुड़ रहे थे। तब ये वेणीचंद भाई हर जगह मांगते थे, गांवों में मांगे, परगामों में जाकर मांगा, खुद के गांव में भी मांगा, मेहसाना में भी, परगांव जाकर भी, शर्म महसूस नहीं की। हाँ, आज भी है ना, मुझे किसी के सामने शासन के कार्य के लिए भी पैसा मांगना होता है ना, मैं आज तक नहीं कर पाता हूँ, किसी को कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ, जो सामने से आया वो स्वीकार कर लेने का, लेकिन कभी किसी को बोलने की, लेकिन ये आत्मा है ना, पाठशाला उनके हृदय में थी। हा? गांव गांव जाकर, परगांव जाकर उन्होंने अनुदान
ये प्राप्त किया। उस जमाने में किसी के पास 5,000 रुपया होते थे ना, 5,000 रुपये, तो वो मालदार सेठ कहलाता था कि 5,000 रुपये है तो मालदार सेठ, हाँ सेठ बहुत पैसे वाले हैं। उस समय इन्होंने 25 से 30 लाख रुपये इकट्ठे किए थे इस संस्था के लिए। उस समय जब 5,000 में सेठ कहलाता था, मालदार सेठ, हाँ सेठ भी नहीं, उस जमाने में इन्होंने इस संस्था के लिए भागदौड़ करके खून पसीना एक करके आज याद करने जैसा है। उनके जीवन का एक प्रसंग, जो प्रसंग हमें बताएगा कि उनके जीवन में इस पाठशाला के प्रति का क्या समर्पण था। एक सेठ के वहां उनको मालूम पड़ा सेठ है तो मालदार, अपनी अर्जी लेकर गए पाठशाला की। सेठ मूड में नहीं थे, लेकिन ये तो मूड में थे, उनको तो सिर्फ पाठशाला देखते थे। शुरू हो गए कि बच्चों के भविष्य के लिए सेठ ये काम है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो पाठशाला। अब सेठ मूड में नहीं थे, 2-5-10 दिन चले, सेठ को आ गया गुस्सा, लगा दिया छाटा वेनीचंद भाई को। सोचो आप क्या हालत हुई होगी, कोई खुद के लिए तो नहीं मांगने गए थे ना, आपके और हमारे बच्चों के भविष्य के, उज्जवल पीढ़ी के भविष्य के लिए अपना किस हाथ किसी के सामने फैला रहे थे, एक छाटा लगा दिया, ये हिमालय जैसे थे। दूसरा गाल आगे कर दिया सेठ, एक गाल का 1,000 रुपया हो गया कंफर्म, दूसरा भी लगा दीजिए, पूरे 2,000 लेकर जाऊंगा। वो शर्मा गए सामने वाले कि क्या पर्सन है, छाटा लगाने के बाद भी हिमालय जैसे ठंडे होकर अपनी संस्था के लिए, हमें तो स्टेटस नट जाएगा, हा? बाहर जाकर 50 लोगों के साथ बात करेंगे, अरे घरवास मांगवा गया तो क्या, आखिर तो शासन वास्ते करवा गया, ऐसा कुछ भी। दूसरा गाल आगे कर दिया, एक और लगा दो, 2,000 कन्फर्म। वो शर्मा गए, बहुत बड़ी रकम उन्होंने वेनीचंद भाई को दी मिच्छा मिरकुड़म के साथ कि मैंने गुस्से में क्या कर दिया, आप ये लेकर जाइए। ऐसे थे वेनीचंद भाई। वेनीचंद आज हम याद करें, आज कितनी स्कीमें चालू हो गई, 5 करोड़ की स्कीम, समकित ग्रुप के माध्यम से 1 करोड़ का फर्स्ट प्राइज, कितनी सारी पाठशालाओं के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन 125 साल पहले किसी ने इस तरह की भी मेहनत की थी, गाल पर थप्पड़ खाए थे अपनी पाठशाला के लिए, अपनी पाठशाला के लिए। हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, नामचीन स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 5-5 लाख का डोनेशन दे देते हैं। कॉलर अपना टाइट करना है कि मेरा बच्चा इसमें पढ़ता है, और उसके उस अपना कॉलर टाइट करने के लिए 5, और उसके बाद भी भविष्य बच्चे का कैसा रहेगा, वी आर नॉट कंफर्म। वो वहां जाकर उसका कैरियर या भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, कंफर्म नहीं, जबकि यहां आने वाला हर बच्चे का भविष्य वो एकदम संस्कार में ही होगा। लेकिन फिर भी हम वहां 5 लाख दे देते हैं, यहां की क्या फीस है, 0, निशुल्क पढ़ाई, साल भर की पढ़ाई, रहना खाना पीना रहना सब कुछ 0, 1 रुपये लिए बिना ये संस्था कर रही है 126 साल से, निशुल्क 1 रुपये लिए बिना आज शासन के कई भविष्य को यह संस्था तैयार कर रही है। इस संस्था में पढ़ने वाले कौन कौन, इन संस्था में पढ़ने वाले 250 से ज्यादा दीक्षा लेकर परमात्मा के शासन में संयम धर्म की सुंदर आराधना कर रहे, कितने 250 महात्मा जो विद्यार्थी थे, और उसमें से 45 आचार्य भगवंत के रूप में गए, 45 आचार्य भगवंत के रूप में जिन शासन को इस संस्था ने आचार्य तृतीय पद दिया है। कौन से महात्मा, बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराजा। ये कौन है मालूम है, घंटाकर्ण महावीर, महुड़ी का मंदिर है उसकी प्रेरणा देने वाले, ये मेहसाणा पाठशाला के पहले स्टूडेंट थे,
फिर तो बहुत सारे, अशोक सागर जी, अभय सागर जी, अरियंत सिद्धेश्वर जी महाराजा, वो भी इसी पाठशाला से पढ़े हुए, ऐसे 45 आचार्य भगवान इस पाठशाला से प्राप्त हुए। सिर्फ आचार्य भगवान, साधु भगवंत नहीं, आज कोई भी पाठशाला चलती है ना पूरे भारत भर में, और जब उसका अपॉइंटमेंट होता है ना, जब वो इंटरव्यू होता है वो गुरु जी का, तो पूछा जाता है आपने कहां पढ़ाई की, और वो बोलते हैं मेहसाना पाठशाला। बस ये शब्द काफी रहते हैं उन गुरुजी की लायकात को तपास करने के लिए। बस इनफ। आज पूरे भारत में नहीं, विदेश में भी कई गुरुजी जो पाठशालाओं को पढ़ा रहे हैं वो मुख्यतः मेहसाना पाठशाला के हैं। मेहसाना पाठशाला के शासन को महात्मा दिए, आचार्य भगवान दिए, पंडित जी दिए, कई श्रावक दिए हैं जो उत्तम शासन की सेवा कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में। कोई संगीतकार है, कोई वक्ता है, ऐसे कई लोगों को शासन को दिया है। आज इसके प्रमुख पद पर कुमारपाल वी शाह है, जो इसके प्रमुख पद पर है और इसका सुंदर कार्य संचालन कर रहे हैं। हमारे सामने जो बैठे हुए हैं प्रकाश भाई, मैंने पहले कहा जब ये खुद स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, फिर टीचर बने वहां के, फिर 20 साल तक प्रिंसिपल रहे, और आज 5 साल से पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। प्रकाश भाई एक बार जोरदार तालियों के साथ इस पाठशाला की अनुमोदना कीजिए। इस पाठशाला का एक दूसरा प्रोजेक्ट अहमदाबाद मेहसाणा हाईवे पर कम से कम 13 एकड़ की जमीन पर 75 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के साथ लिंच गांव का प्रोजेक्ट शुरू हो, जहां देश विदेश से भी कोई आकर वीआईपी फैसिलिटी के साथ, महात्मा को पढ़ना हो तो महात्मा को पढ़ने का पूरा व्यवस्था, श्रावकों को पढ़ना हो तो श्रावकों को पढ़ने के लिए एक सुंदर वश व्यवस्था भविष्य में मेहसाणा पाठशाला के अंतर्गत हो रही है, उसकी भी खूब खूब अनुमोदना मैं चाहूंगा इनका बहुमान के लिए संगीत की धारा के साथ। पूरे भारत में होगा उजाला, ज्ञान की रोशनी से जागे जग सारा, संघ और शासन का भावी निराला, सपना हमारा है ये। चलो पछाला।